नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो और थंबनेल से देख के समझ चुके होंगे कि आज हम अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डिजिटेक के इस ट्राइपॉड को। मैं आज तक जो वीडियो बनाता था एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक से बनाता था और ये मैंने स्पेशली अपने चैनल के लिए ख़रीदा। हमारे पास कोई प्रोफेशनल ट्राईपॉड नहीं था तो मैं इसने आपके लिए ख़रीदा है और इसलिए दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ये खुशी और इसलिए मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आपके लिए और यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। अगर आप YouTube चैनल खोलने वाले हो या YouTube चैनल कर रहे हो तो ये एक सस्ते में एक मीडियम रेंज में, सस्ता तो नहीं कहूँगा दोस्तों, एक मीडियम रेंज में एक सबसे अच्छे ट्राईपॉड में से एक है डिजिटेक का। नॉर्मली जो एक अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो इसी कंपनी के ट्राईपॉड यूज़ करते हैं तो इसलिए दोस्तों आप इस ट्राईपॉड को प्रीफर कर सकते हो। लेकिन 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 मैं कुछ लिंक्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पे आपको 1000 रुपये से लेकर के 1000 से नीचे तक कभी आपको ट्राईपॉड मिल जाएगा और साथ में 2000 तक के आपको ट्राईपॉड दे दूंगा। मैं मीडियम साइज़ वाले दूंगा दोस्तों क्योंकि मैंने भी अभी हायर रेंज के यूज़ नहीं किए हैं। मैं अभी तक खुद जो अपनी वीडियोज़ बनाता था सेल्फी स्टिक से बनाता था, उससे पहले मैं बनाता था बॉक्स पर रख के बनाता था तो अब मैं इसके ऊपर बनाऊँगा वीडियो और इसलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं लगता है, फटाफट से सब्सक्राइब करें और बताएं अपनी राय कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। नॉर्मली जो मेरी वीडियो आती है दोस्तों घर बनाने के ऊपर और या वास्तु से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आता रहता है मेरे चैनल पे। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा टाइम टू टाइम पे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों फटाफट से इसका देख लेते हैं, अब खोलने से पहले इसका बॉक्स कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नॉर्मली जो दिया हुआ है ट्राईपॉड के फंक्शंस दिए हुए हैं, इसको देख करके अपने आप फंक्शन जो है वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये तो मैं आपको खोलने के बाद आपको दिखा दूंगा फंक्शन क्या क्या है। फिर यहाँ पे कुछ मेन है कि इसका जो मैक्सिमम लोड है ये अपने ऊपर 5 kg तक का ले सकता है, मतलब कि एक छोटा कैमरा आप आराम से इसमें यूज़ कर सकते हो, एक ठीक ठाक कैमरा जो यूज़ कर सकते हो। और इसका हाइट जो है आपको 5.5 फुट के आसपास आपको मिलेगा, मतलब कि 1700 mm के आपका इसको हाइट मिलेगा और ये फोल्डेड में ये आपका 615 mm तक रहेगा। अब बाकी इसका ये इसकी चौड़ाई लंबाई जो कितनी होगी, ये कितना जगह लेगा, ये देख के कुछ यहाँ पे दिया हुआ डायमीटर दिया हुआ है। और इसका वेट जो आपका उसका जो कुल वेट है दोस्तों वो 1.2 kg का आपका इसका वेट है। और साथ में ये इसका जो स्टैंड है कैसे है कि फोल्ड होगा वो 3 सेक्शन का है वो चीज़ दिया हुआ है। अब फटाफट इस बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलते ही बॉक्स में ये आता है इसको ये पैसे पैकिंग में। दोस्तों मैं यहाँ पे ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, कितने का आएगा ये कितने का आया मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये मैंने अभी जो 15 अगस्त की सेल चल रही थी उसमें मंगाया है और ये मेरे को पड़ा 1350 रुपये का। नॉर्मली जो इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है, ये प्राइस आपको पड़ने वाला है आपको 1500-1550 के आसपास पड़ेगा, लेकिन किसी ऑफर में मंगाओगे तो आपको ये 1300-1350 के बीच में पड़ जाएगा। तो इसलिए आप इसको चेकआउट कर सकते हो लिंक से, क्या पता आपको कोई अच्छा ऑफर मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसे बैग में आता है, ऐसे पन्नी में पैक आता है, नॉर्मल पन्नी को निकालेंगे और कितना बढ़िया इसमें इस अच्छी क्वालिटी का ये बैग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रैप भी, अगर आपको कहीं पर लेके जाना है तो आप इसको नॉर्मली बड़ा छोटा फीता करके उसको टांग करके लेके जा सकते हो। काफ़ी बार हमें ट्रैवल करते हैं तो हमें इसको लेके इधर जाने की जरूरत पड़ती है। फटाफट इसके चैन को खोल लेते हैं। जैसे हमने चैन को खोला तब इसके अंदर हमारा मेन जो ट्राईपॉड है वो आता है। अब मेन ट्राईपॉड में फटाफट से देख लेते हैं, इसको खोल के पन्नी से निकालते हैं इसको। ये दोस्तों आ गया हमारा डिजिटेक का ट्राईपॉड। अब ये डिजिटेक का अब देख सकते हो ये ट्राईपॉड, अब इसमें ये इसका यहाँ पे मॉडल नंबर यहाँ सब कुछ दिया हुआ है और ये क्वालिटी वाइज इसको अगर आप देखोगे दोस्तों, खासकर क्या होता है कि अगर ये ट्राईपॉड आप लेते हो तो ये स्ट्रैप जो है ये सब चीज़ें ना कमज़ोर होती हैं। बहुत सारे ट्राईपॉड्स मैंने देखे हैं जिसमें कि ये टूट जाते हैं काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन इसकी जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छी है जिस कारण से आप इसको ले सकते हो दोस्तों। आप अगर सस्ते वाले खरीदोगे उसमें अक्सर देखोगे कि ये जो इसके ये स्ट्रैप आते हैं ये काफ़ी कमज़ोर आते हैं तो उस कारण से ये टूट जाते हैं। तो इसलिए आप इसको जब भी देखें तो 3 सेक्शन का, आप फटाफट मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से इसको खोलना होता है दोस्तों, ऐसे इसको खोलेंगे और अब इसको दो स्टेप में इसको खोलोगे और फिर खोलने के बाद जैसे आपने इसको खोला इसको ऐसे करके इसको टाइट कर दोगे जहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा, फिर ये अंदर नहीं जाएगा। अगर ये खुला हुआ रहेगा और आपने इसको खड़े करने की कोशिश करी तो ये अंदर घुस जाएगा ऐसे, तो अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये फिर ये अंदर दबेगा नहीं। तो इसलिए
अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हो, ये यहाँ पे इसकी हाइट है, ये नॉर्मल इसकी हाइट है। और अब इसको मैं यूज़ करना, हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। अगर ये यहाँ तक ही हाइट नहीं है इसकी दोस्तों, नॉर्मल क्या होता है इसका, देखिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है घुमाने का। अब इसको जब जैसे ही घुमाओगे आप, इसको ढीला करोगे जैसे यहाँ पे, फिर इसके बाद ना ये यहाँ पे इसको घुमाने का दिया हुआ है, इसको जैसे ही घुमाओगे धीरे 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 ये ऐसी इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। अब ये हाइट बढ़ती जाएगी, अब ये नॉर्मल देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये मेरी हाइट से भी ऊपर जा चुका है। अब इसके कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने ढीला करके इसको ऊपर किया, अब जब भी आपको वीडियो बनानी है, मान लीजिए इसी हाइट पे बनानी है, तो आप हमेशा इसको टाइट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये नीचे नहीं जाएगा कभी भी अपने आप। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप बना रहे हो वीडियो तो आप इसको टाइट कर दीजिए। इसमें ये देखिए दोस्तों, हैंडल की क्वालिटी भी कितनी अच्छी दी गई है। काफ़ी बार क्या होता है, हमें शिफ्ट करना पड़ जाता है मजबूरी में, एक जगह से दूसरी जगह पे जगह, तो वहाँ पे हम आराम से इसको उठा सकते हैं ट्राइपॉड को, और ट्राइपॉड को उठा करके जगह एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। तो इस बात का आप, इसमें हैंडल क्वालिटी जो दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन दी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये नीचे की तरफ नॉर्मल क्या है, ये चीज़ दिया नहीं आता एक नॉर्मल ट्राईपॉड में। ये होता क्या है कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे घुमाने का कुछ दिया हुआ है ये। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर ये ढीला रहेगा तो ये देख रहे हैं ये आराम से ऊपर बंद हो जाएगा, आराम से खुल जाएगा। मगर अगर आपने इसको ऐसे टाइट कर दिया तो ये ऊपर नहीं होगा, तो ये बंद नहीं होगा। धीरे मैं पूरा उठ गया लेकिन ये बंद नहीं हुआ, लेकिन अगर ये ढीला है तो ये उठ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये उठेगा ही नहीं, फिर ये बंद हो जाएगा पूरा। तो इस बात का जब भी आप बना रहे हो तो इसमें ये चीज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हुक देख रहे हो दोस्तों, मान लीजिए आपने कुछ भारी सा कैमरा यूज़ किया इसके ऊपर भारी सा कैमरा यूज़ किया, तो आपको करना क्या है, इसके नीचे आप यहाँ पे, इसके नीचे मैंने अभी आपको हुक दिखाया, इसके नीचे आपको जो हुक दिखाया मैंने, इस हुक में आप एक वजन टांग सकते हो, जिस कारण से आपको स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसको आप हुक में, आप नॉर्मली सी यूज़ आता है कि आप ना जो है कुछ वजन डाल सकते हो उसके ऊपर, जिस कारण से आपको स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कैमरा का गिरने का डर कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। अब थोड़ा सा इसका फंक्शन जो है हम देख लेते हैं। ये जो मेन जो हमारा ये है, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसी को देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो बताने में थोड़ा सा मुझे भी आसानी हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हैंडल है, ये हैंडल का कोई यूज़ किया है, नॉर्मली इसका हैंडल लो हैंडल इसको घुमाने का यूज़ करते हैं, मगर इस हैंडल का यूज़ जो है, ये आप इसको ढीला करोगे, इसको घुमाओगे और तो ये ढीला हो जाएगा, ये ऐसे इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये 360 डिग्री तो पूरा घूम सकता है, मगर उस 360 आपको पूरा घुमाने के लिए, 360 डिग्री आपको इसको पूरा घुमाने के लिए, इसमें ये देख रहे हो, तो इसको ये आपको ढीला करना पड़ेगा, तब ये जा करके ये पूरा घूमेगा। अब ये अगर जैसे ही आपको जिस भी एंगल में इसको सेट करना है, इसको आपको टाइट कर दीजिए, जैसे ये टाइट हो गया, अब ये टाइट हो गया तो ये अब ये घूमेगा नहीं, अब ये ऊपर नीचे हो रहा है, फिर आपको इसको, ये जो आपका घूम रहा है इसको आप टाइट कर दोगे तो ये एडजस्ट हो गया, अब ये भी नहीं हिलेगा, तो ये अपना एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो है, ये मेन फंक्शन है, इसको आप देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मैं कैमरा लगा करके, फ़ोन लगा करके थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग जो है टिकटॉक या फिर शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उनके लिए क्या किया दिया गया है, इसमें यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये इसको ढीला करके यहाँ पे इसको ऐसे हम खोल सकते हैं। अब ऐसा खोल सकते हैं, इसका आपको अच्छी तरह तब समझ में आएगा जब मैं इसके ऊपर कैमरा लगा के दिखाऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक माउंट के साथ लगा के दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको करना क्या, जब भी आप ये खरीदोगे दोस्तों, तो आपको ये माउंट उसके साथ अलग से ख़रीदना पड़ेगा। ये माउंट आपका 100-200 रुपये तक का आ जाएगा, अलग अलग क्वालिटी का आता है। इसमें एक सिंगल वाला भी आता है और ये डबल वाला मैंने लिया है, ये मेरे को 200 के आसपास का पड़ा है। ये नॉर्मली आपको भी इतने का ही पड़ेगा, या 100 रुपये का एक आता है, उसमें आपका सिंगल वाला जो होता है, वो सिंगल वाला कुछ इस तरह का होता है। मेन जो है इसमें आपका मोबाइल लग जाएगा, और अगर इसको लगाते हो तो इसमें ही आप यहीं से इसको घुमा सकते हो टिकटॉक वीडियोस के लिए, किसी वीडियोस के लिए। जैसे इसको लगा दिया, अब आपको जो इसमें अब इसको घुमाना है तो उसको हल्का सा घुमा करके इसको ऐसे करके टाइट कर सकते हो। तो अब ऐसे फ़ोन लगा रहेगा तो ये आप टिकटॉक वीडियोस के लिए, किसी को वीडियोस के लिए यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो जगह चेंज हो चुकी है, मौसम एकदम से ख़राब हो चुका है, बारिश होने लग रही है यहाँ पे, इस कारण हमें जगह चेंज करनी पड़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं फटाफट से यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से वीडियो ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो वाटर लेवल का निशान, इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि अगर आपका ट्राइपॉड स्टेबल है तो ये आपका इसका जो पानी है आप बीच में एक निशान होता है पानी में, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो आपको लोगों को पता लग जाएगा। ये पानी का निशान आपका हमेशा सेंटर में होना चाहिए, तो अगर ये सेंटर में है तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, सीधा खड़ा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फोन लगा करके, जैसे मैंने बताया था कि फोन लगा, इसमें देखो ये लॉक का सिस्टम होता है, अगर ये लॉक का सिस्टम है तो आप इसको हटा करके इसमें ऐसे निकाल सकते हैं इसको। अब इसमें निकालने के बाद इसमें लगाने कैसे है फोन, जैसे मैंने आपको दिखाया था ये माउंट मैंने खरीदा है, और इस माउंट में आपको यहाँ पे इस नट में और इसमें आपको घुसाना है और इसको गोल गोल घुमाना है। अब इसको लगा दिया आपने, अब यहाँ पे पीछे से आपको दिया हुआ है यहाँ पे घुमाने के लिए। अब ये माउंट में देखो जैसे लग चुका है ये नीचे, अब ये लैसी लग गया। अब इसको आपने से लॉक को आप इसको ऐसे करोगे और साथ में इसको लॉक को ऐसे करोगे और साथ में इसको ऊपर से ऐसे करके ऐसे घुसा दोगे, ये लग गया आपका, ये लग गया आपका यहाँ पे फ़ोन लग गया। अब यहाँ पे अगर कैमरा लगाना चाहते हो डायरेक्ट, जो यहाँ मैंने अभी आपको नट दिखाया इसमें, उसमें डायरेक्ट आपका कैमरा लग जाता है जो, और अगर कैमरा नहीं लगाना है आपको फ़ोन लगाना है तो वो फ़ोन आपका ऐसे ही लगेगा। अब ये जो आप, मैं कह रहा था टिकटॉक वीडियो बनानी है, अगर आपको टिकटॉक वीडियो बनानी है तो वो आपका यहाँ से ढीला करके इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो ये नॉर्मली आपका टिकटॉक वीडियो हो गया, फेसबुक वीडियो हो गया, शॉर्ट वीडियो हो गया, वो आपका इस एंगल में बनती है। तो अगर आपको नॉर्मली मुझे तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो मैं इसको ऐसे रखूँगा और इसको यहाँ पर कस दूँगा। अगर यहाँ पर कस देने से ये होगा कि ये बार बार आगे पीछे घूमेगा नहीं। अब मुझे जब भी वीडियो बनानी है तो इसके सामने मैं इसको ऐसे खड़ा होकर के नॉर्मली जो वो वीडियो बना सकता हूँ। अब ये आप कैमरा सामने लगा हुआ है, ट्राइपॉड सामने लगा हुआ है ऐसे, और मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। अब नॉर्मली आप इसकी हाइट देख सकते हो, ये मैंने ये नीचे किया हुआ है, ये मेरे पिक्चर में एक नॉर्मल हाइट पर आया हुआ है, और ये इस हाइट पे मैं एक आराम से अपनी वीडियो यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ। अब मैंने आपको इसकी पूरी हाइट दिखा दी, इसके पूरे फंक्शन बता दिए। ये आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो ये ज़रूरी है कि लाइक करते हो दोस्तों, सब्सक्राइब करते हो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देख रहे हो जैसे कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है, बारिश कंटिन्यू हो रही है और इस कारण से वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन वीडियो जब शुरू कर दी थी मैंने सोचा इस वीडियो को ख़त्म करके ही फिर वीडियो हम आगे बढ़े। अब मैं इसको लास्ट आपको इसकी फुल हाइट आपको दिखाता हूँ। इसको यहाँ से हम इसको ढीला करने के बाद अब इसमें ये हैंडल दिया हुआ है, इसको ऐसे घुमा करके इसकी हाइट उसको हम और इंक्रीज करेंगे। ये इसका लास्ट है, अब यहाँ जिसको ढीला फिर इसको टाइट कर देंगे। अब आप यहाँ मैं देख सकते हो मैं इसके साथ में खड़ा हूँ और इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, मेरी हाइट यहाँ पे 5'7", 5'8" के आसपास है, तो उसके हिसाब से अच्छी खासी हाइट है। नॉर्मल एक 6 फुट वाले आदमी भी इसके आराम से इससे वीडियो बना सकता है। तो आप इसका फुल व्यू देख लीजिए, देख सकते हो दोस्तों ये हाइट है इसकी, ये पूरा इसका व्यू है इसका, इतना हाइट पड़ जाता है। चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, अपना ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, आपका हर एक लाइक हर एक डिसलाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन के दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।